ये बात है 1988-92 के बीच की जब मैं कर्नाटका यूनिवर्सिटी से अपनी बी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय हम लोगों को यहाँ से वहाँ तक जाने में करीब 40 से 50 घंटे लगा करते थे तो अक्सर मैं सोचा करता था कि देहरादून स्कूल एजुकेशन के लिए इतना जाना जाता है और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए या इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है इनफैक्ट पूरी ट्रेनें जो है दिल्ली से साउथ की तरफ जाया करती थी तो उस समय जब मेरे साथ के जो मेरे क्लासमेट्स थे उनके सपने थे कि यूएस जाएंगे और मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करेंगे तो मैंने एक नया सपना देख लिया था कि मैं यहीं आके कुछ जो है टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करूँगा तो 92 में इंजीनियरिंग करने के बाद मैं कुछ समय तक दिल्ली में अपने रिलेटिव के यहाँ रहा और मैंने जो उस समय जो एडवांस कोर्सेस जो चल रहे थे ग्राफिक्स वगैरह में वो देखा तो मुझको ये जान के बड़ी हैरानी हुई कि बहुत एडवांस लेवल के कोर्सेस दिल्ली में भी नहीं थे शायद आपको मालूम ना हो कि अगर मैं 92 की बात कर रहा हूँ तो उस समय नोएडा या गुड़गांव या चंडीगढ़ या हैदराबाद ये आईटी के सेंटर्स नहीं होते थे उस समय तो बॉम्बे था बेंगलोर था और उसके अलावा मद्रास था जिसे आजकल हम चेन्नई कहते हैं तो नॉर्थ में थोड़ा हार्डवेयर एस सी एल एच पी की फैक्ट्री थी नोएडा में ये चीज़ें तो थी लेकिन सॉफ्टवेयर में इतना ज़्यादा नहीं था तो ये सब कुछ स्टडी करने के बाद फिर वापस मैं कर्नाटका गया मैंने उधर भी स्टडी किया 93 में मैं अपने जब घर आया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं जॉब नहीं करना चाहता और मैं कुछ अपना शुरू करना चाहता हूँ तो हमारे यहाँ मुझसे पहले किसी ने कोई बिजनेस किया नहीं था तो पेरेंट्स के भी अपनी आस्परेशंस होती हैं और मीडियम क्लास फैमिली में तो गिनते हैं बच्चा फर्स्ट ईयर में चले गया सेकेंड में गया थर्ड में गया फोर्थ में जाने के बाद जॉब करेगा तो उन्हें शुरुआत में तो बड़ा इस, इस बात को सुन के बड़ा धक्का सा लगा लेकिन धीरे धीरे आप जानते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ही लेते हैं तो धीरे धीरे मैंने उनको कन्विंस कर लिया और मेरे इस जुनून में वो लोग भी मेरे साथ हो गए तो जो हमारे पास पैसा था वो टोटल ट्वेंटी नाइन थाउजेंड रुपीज था तो और बाहर अगर हम शुरू करते मार्केट में जाके तो डिपॉजिट वगैरह के लिए कोई पैसा था नहीं तो ये डिसाइड हुआ कि घर में जो लिविंग रूम है उसी के एक हिस्से में एक थ्री एट सिक्स असम्बल्ड कम्प्यूटर लगा के काम शुरू कर लिया जाए और क्योंकि मुझे ग्राफिक्स में डील करना था इसलिए कंप्यूटर सेंटर का नाम रख दिया गया ग्राफिक एरा लेकिन जल्द एकदम से बहुत से लोग आने लगे अब ग्राफिक्स तो लोग जितना जानते नहीं थे उस समय ये मैं बात कर रहा हूँ नाइन्टी थ्री की तो उस समय विंडो नाइन्टी फाइव भी नहीं थी इंटरनेट भी नहीं था इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊँ मेरे घर में खोन का कनेक्शन भी नहीं था फोर व्हीलर भी नहीं था और मेरे फादर का जो स्कूटर था उसी को शेयर करके मैं मार्केटिंग वगैरह करता था तो बच्चे और कोर्सेज के लिए आने लगे कोई कहने लगे मुझे सी पढ़ा दो सी प्लस प्लस पढ़ा दो लेकिन जिस चीज़ के लिए लोग आते रहे मैं उनको सब वही कराता रहा और उस समय बैंक के लोग ओ के लोग ये भी बड़ी संख्या में कंप्यूटर सीख रहे थे तो मैंने स्टडी करने के बाद अपना और कंप्यूटर सेंटर्स को स्टडी करने के बाद अपने टाइमिंग्स डिसाइड किए कि कंप्यूटर सेंटर सुबह पाँच बजे से रात के नौ बजे तक खुलेगा तो बहुत से जो वर्किंग प्रोफेशनल थे वो सुबह जो है पाँच से सात के बैच में आ जाते थे या शाम को सात से नौ वाले बैच में आ जाते थे तो ये एक ऐज मुझको मिल गई और अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं मुझे वो टाइम भी याद है कि मेरे कंप्यूटर सेंटर में अगर चौदह चेयर थी और उससे पहले अगर सुबह सुबह मुझे क्लास लेनी होती थी तो पाँच बजे से पहले उन चौदह चेयर्स को मैं ऊपर ले जा कर क्लास रूम बनाता था फिर क्लास के बाद तो बच्चे उसको लेके नीचे कंप्यूटर सेंटर में आ जाते थे तो ये सारी एक जर्नी है दिस इज़ अ प्रोसेस ये सारी चीज़ें हुई और बैंक क्योंकि हमारे पास कोई कोलेटरल ऑफर करने के लिए नहीं थी और आइडिया भी नया सा था तो बैंक हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए उसके बाद इतना ज़रूर हुआ कि बहुत से लोग जिनके पास पैसा था वो मुझको घेरना चाहते थे बहुत से लोगों ने कहा आप कि हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बहुत से लोगों ने तो ऐसे भी कहा दो से उनके हो जाएंगे एक मेरा हो जाएगा लेकिन मैंने सोचा अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करूँगा तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जो मेरा विजन है जो मैं करना चाहता हूँ उसमें ऑब्स्ट्रेक्शन पैदा होंगे तो मैंने संघर्ष का रास्ता चुना और उस संघर्ष के रास्ते में मुझे मिला कि मैं जो मार्केट में प्राइवेट फाइनेंस वाले होते हैं उन लोगों से मैंने फाइनेंस लेना शुरू किया कुछ इस तरह के फाइनेंस भी होते हैं मैं आपको बताऊं कोई आपको पैंतालीस हजार रुपये दे देता है और फिर हर दिन आपसे पाँच पाँच सौ रुपये लेता है सौ दिन तक तो सौ दिन में पैंतालीस हज़ार के पचास हजार रुपये लेता है तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा सूट किया है मैंने कईयों बार इस तरह की चीज़ें लेके या कंप्यूटर को रेंट में लेके ऐसे वो किया दो तीन महीने में काफ़ी फेमस हो गया ग्राफिकरा और मुझे याद है जिस कोर्स की एन में फ़ीस साढ़े तीन हज़ार होती थी उसको मैंने क्योंकि तो मैं तो अपने घर से ही शुरू कर रहा था तो उसको मैंने साढ़े तीन सौ रुपये से शुरू किया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब छः महीने बाद मैंने उसको फाइव थाउजेंड में भी चलाया जब लोगों को मेरी योग्यता का पता चला तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जो यंगस्टर्स शुरू करेंगे कई बार ये सोचते हैं कि पहले से ही अपने जो है रेट्स काफ़ी हाई रख लेते हैं तो इफ़ यू आर गुड देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव यूर सेल्फ दैट यू आर गुड तो उसके बाद कुछ ऐसे महान भाव मिले जिन्होंने मुझे शहर में जगह दे दी कंप्यूटर सेंटर शहर में शिफ्ट हो गया उसके बाद मुझे एक आप जानते हैं ऑटो डेस्क एक कंपनी है यूएस की जो कैट के सॉफ्टवेयर बेचती है तो उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो होप वाले थे हिंदुस्तान ऑफिस ओफ, प्रोडक्ट वाले उन्होंने मुझे इस पूरे उत्तराखंड का जो है अपना ट्रेनिंग पार्टनर बना दिया इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर बेचेंगे मैं उसकी ट्रेनिंग दूंगा ये सब चलता रहा और 95 के करीब काफ़ी हम लोग स्टेबलाइज हो गए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी हमें काम मिलने लगा और ओ में कॉरपोरेट ट्रेनिंग वगैरह भी मिलने लगी बैंकों में भी ट्रेनिंग्स वगैरह मिलने लगी और कुछ गुडविल ऐसी हो गई कि हमको गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटराइजेशन का काम मिल गया तब तक वहाँ की मार्कशीट्स और रिज़ल्ट प्रोसेसिंग सब मैनुअल होता था तो वो कंप्यूटराइज करने का हमको काम मिला हम वहाँ गए 95 में उस समय तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट डिकलेयर करने में सबसे लास्ट यूनिवर्सिटीज़ में होती थी यूपी में और मैं बड़ी खुशी से आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद सबसे पहले गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने ही रिज़ल्ट डिक्लेयर किए <laughs> उस ज़माने में उसके लिए सरकार एक करोड़ रुपया भी दिया करती थी यूनिवर्सिटी को जो सबसे जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तो ये कुछ हुआ उसके बाद कुमाऊँ यूनिवर्सिटी को भी मैंने कंप्यूटराइज किया एक बार मैंने पुलिस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना दिया मैं कंट्रोल रूम में गया उन्होंने कहा मेरे पास तो हमारे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है उनको मैंने कंप्यूटर डोनेट किया प्रिंटर डोनेट किया एक बार फिर वहाँ पे उस समय देहरादून में जो आईजी होते थे वो मेरठ में बैठते थे मेरठ जोन में देहरादून आता था उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने सारे जोन के लिए वो सॉफ्टवेयर कंपलसरी कर दिया वहाँ डी आए देखने के लिए उन्होंने पूरे यूपी के लिए कर दिया तो इस तरह गुडविल बढ़ती चली गई तो जब मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे थे लेकिन वहाँ मेरे दिमाग में एक नया ड्रीम आ गया कि लगा ये अभी सही समय है कि हम एक इंस्टीट्यूट शुरू कर लें गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एफिलेट करके लकीली उस जमाने में वहाँ पे प्रोफेसर के पी नोटियाल वाइस चांसलर हुआ करते थे और प्रोफेसर के पी नोटियाल बहुत ही जुनूनी किस्म के व्यक्ति थे अगर मुझ में मैंने जो कुछ भी किया है इसका मैं ज़्यादातर श्रेय उनको देता हूँ क्योंकि जुनून मैंने उनसे ही सीखा और वो करीब सिक्सटी टू ईयर्स की एज में रोज़ सुबह ऐसे निकलते थे जैसे शिकार खेलने निकलता है कोई करने मरने की उससे निकलते थे और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वीसी का टन ओर तीन साल ही होता है लेकिन वो तीन साल में बहुत कुछ चेंज करके गए गढ़वाल यूनिवर्सिटी में और उन्होंने बहुत से लोगों को इनक्रेज किया उसमें एक मैं भी था तो उनके इनक्रेजमेंट से गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने मुझे एन दे दिया डिग्री कोर्सेज शुरू करने का तो फिर मैं यहाँ से लखनऊ गया सचिवालय मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था तो लखनऊ में ऐसा है सचिवालय की एक बिल्डिंग ऐसा है डीलिंग असिस्टेंट यहाँ बैठता है अगर तो फिर सेक्शन ऑफिसर कहीं और बैठता है उसके बाद अंडर सेक्रेटरी होता है उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी होता है उसके बाद सेक्रेटरी होता है उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है फिर मिनिस्टर के पास फाइल जाती है अगर मिनिस्टर ने यस yes कर दिया तो ये सारे स्टेप से फाइल नीचे आती है और फिर क्लर्क के पास आ जाती है फिर क्लर्क लेटर ड्राफ्ट करता है फिर वो लेटर फिर अप्रूवल के लिए सेक्रेटरी तक जाता है सारी सीढ़ियों में फिर वो नीचे आता है फिर आपको क्लर्क जो लेटर देता है तो एक सिस्टम होता है टिपिकल सचिवालय का तो वो हमने सीखा पंद्रह बीस दिन वहाँ रहे एन ली पहले एन अलग होती थी उसके बाद एफिलिएसन के लिए दोबारा जाना पड़ता था एफिलिएसन की फ़ाइल फिर यूनिवर्सिटी से चल के इन सारे स्टेप से होके गवर्नर साहब तक जाती थी तो 98 एट में ग्राफिकेरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन गया और जिसमें हम बी सी और बी एम आई टी हमने शुरू कर दिया ये दो कोर्स पूरे उत्तराखंड में शुरू करने वाले हम पहले इंस्टीट्यूशन हैं और 2000 में हमने एम सी ए शुरू किया और उसके बाद 2001 में इंजीनियरिंग शुरू किया और 2008 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई और फिर हमने महसूस किया क्योंकि हमारी जो क्लाइंटेज़ है बेसिकली वो मीडियम क्लास स्टूडेंट्स की है ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ लोन लेके आते हैं और यही हमारी स्ट्रेंथ है क्योंकि वो हमेशा अचीव करने का उन पर एक प्रेशर होता है फिर फादर रिटायर होने वाले होते हैं उससे पहले उन्हें सेटल होना होता है तो लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ लग रही थी कि बहुत से बच्चे उस फीस को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उत्तराखंड के जैसे सोल्जर्स के बच्चे हैं पहाड़ के किसान के बच्चे हैं जो हमारी एक मतलब एवरेज सी फीस थी उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट को हमने अप्रोच किया हमने उनसे कहा आप हमें एक और यूनिवर्सिटी दे दीजिए ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी जो 2011 में बनी और ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी के उस समय हमने दो कैंपस बनाए एक देहरादून में और एक भीमताल में और इन दोनों ही कैंपस में बच्चों की फ़ीस यहाँ से देहरा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उससे पच्चीस कम है और ये एक एग्जाम्पल भी सेट हुआ उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ बनी उत्तराखंड में तो सबको मिनिमम पच्चीस फीस कम रखनी पड़ी और ये बता के मुझे आपको बड़ा गर्व होता है क्योंकि बड़ा देहरादून में बैठ के लोग नारे लगाते हैं कि हम क्या कहते हैं पहाड़ों का अच्छा होना चाहिए ये होना चाहिए लेकिन जितने इंस्टीट्यूशन हैं या तो देहरादून में है या हल्द्वानी की तरफ है पहाड़ों में कोई नहीं गया था मैंने भीमताल में जाके 200 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और ये बता के मुझे आपको बड़ी खुशी होती है कि तीन साल में ही वहाँ का बच्चा इन्फोसिस टी सी एस सब जगह निकला और आज वहाँ का बच्चा एमेज़ोन में भी निकलता है फोर्टी फाइव लैख रुपीज़ के पैकेज में भी निकलता है और क्योंकि उसको ऑल द वे देहरादून नहीं आना पड़ता तो ये सारे हमारे अचीवमेंट हैं आज हमारे पास ट्वेंटी टू थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड में सेवेंटी थाउजेंड के करीब हमारे एलिमनाइज हैं और हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो रैंक है वो 98 है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एनआईआरएफ में और इंजीनियरिंग में 75 है दोनों में ही आई को छोड़ के पहले नंबर पे पूरे उत्तराखंड में तो ये अचीवमेंट्स हैं और अभी हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज शुरू किया है देहरादून में अभी हॉस्पिटल शुरू हुआ है धीरे धीरे उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये मेरी जर्नी है और अब इस जर्नी में जो मैंने कुछ सीखा क्योंकि अगर कुछ नए लोग शुरू करना चाहेंगे तो और तो वो भी कुछ सुनना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस क्या है एक्सपीरियंसेस तो सबसे पहले तो जो मैंने सीखा वो आपको मैं गवर्नमेंट की डेफिनेशन बता देता हूँ मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से बेस्ट गवर्नमेंट वो है जो आपको काम करने दे और वर्स्ट कैसी है वो आपको कितने हर्डल्स क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपको दुनिया भर के एनओसी लेने जाना पड़ता है तो वो कितना टाइम तक आपको घुमाएंगे उस पर डिपेंड करता है वर्स्ट क्या है बेस्ट ये है कि आपको फैसिलिटेट कर ले आप अपना काम करो तो जो लोग नए बच्चे हैं तो ज़्यादा इस उम्मीद में मत रहिएगा कि गवर्नमेंट आपको कोई फंड्स देगी आपका राइट है अब हिंदुस्तान में इतने लोग हैं आपके अंदर कोई काबिलियत है आप खुद करिए हाँ अगर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर दे तो बड़ी अच्छी चीज़ है और आप टाइम चेंज हो गया है हमारे टाइम पे तो ये पॉसिबल ही नहीं था कोई अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में बच्चा कितना अच्छा कर रहा हो कि प्राइम मिनिस्टर उससे बात कर ले और यहाँ लोग जानते हैं ग्राफिक एरा में एक बच्चे ने ई मशीन बनाया तो प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो कॉल से बच्चे को शाबाशी दी तो इस समय बदल गया है हमारे समय में तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो किंग की तरह होते थे ज़्यादा लोगों से मिलते मुलाते नहीं थे जिस ज़माने में हमने शुरू किया और अभी तो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी फैसिलिटीज़ दे दी हैं स्टार्टअप को लोन मिल रहा है और इसके साथ साथ टैक्सेस में बहुत से रिवेट मिल रहे हैं और इनक्यूबेशन सेंटर हैं जहाँ से आप लोग अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं तो जॉब सीकर बनने के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनने का बड़ा अच्छा मौका है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले आठ सालों में बहुत से नॉर्म्स जो हैं जो बीच में दुनिया भर की जो हर्डल्स थे उनको कम कर दिया है लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको रखना पड़ेगा अपने पास क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में चीज़ें बहुत धीरे धीरे मूव होती हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट आपको शुरू करना हो तो कम से कम एक आध साल का बफर रखिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ मुझे देहरादून में उत्तराखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में बना रहा हूँ ग्यारह बेड का तो उसकी सारी एन लेने में मुझको दो साल लगे तो अगर मैं दो साल वेट नहीं करता तो फिर मैं डिफ़ॉल्टर हो जाता फिर मैं एक मकड़ जाल में फंस जाता उनका जवाब देता रहता और ऐसे ही मैं बता रहा हूँ अभी मुझको हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है जनरेटर पे हॉस्पिटल चला रहा हूँ बहुत से लोगों की ज़िंदगी भी बचाई है लेकिन बहुत से रेगुलेटर जो होते हैं उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं वो रेगुलेटर हैं फैसिलिटेटर नहीं है मुझको बिजली के कनेक्शन लेने में अभी भी वहाँ क्योंकि फ़ॉरेस्ट की क्लियरेंस ये सब कुछ होते हुआ मामला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाके अक्सर अटक जाता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो अपने को अभी भी अंग्रेज़ों के ज़माने के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं तो वो रोक लेते हैं चीज़ों को तो एक हॉस्पिटल को जहाँ लोगों की जान बचाई जाएगी वो उसको बिजली का कनेक्शन लेने में अगर छः महीने लगें तो पेशेंट्स की ज़रूरत है जो लोग शुरू करेंगे हो जाएगा लेकिन धीरे धीरे पेशेंट्स भी आ जाता है और इसी तरह सपोज आप आयुष्मान लेना चाहते हैं बच्चों लोगों का इलाज कराना चाहते हैं आयुष्मान कार्ड के थ्रू उसके प्रोसेसिंग में भी दुनिया भर का टाइम लग जाएगा जो लोग होंगे उनको ये नहीं लगेगा कि एक नया हॉस्पिटल आने से हम कुछ लोगों को फैसिलिटी दे पाएंगे सो ये सब कुछ बदलने में स्टेट लेवल में टाइम लगेगा सेंट्रल लेवल में यू जी वगैरह में मेरे एक्सपीरियंस आठ साल में बहुत बदले हैं चीज़ें बहुत बदल गई हैं तो बदलाव है तो इधर भी आएगा और बहुत से एम्प्लॉयज़ आपके साथ होते हैं शुरुआत से जुड़े हुए होते हैं मेरे साथ भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको 20 साल 25 साल हो गए नॉर्मली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिकली ग्रो करती रहती है तो ज़रूरी है आप इन एम्प्लॉयज़ को भी बार बार जो है नई ट्रेनिंग देते रहें अदरवाइज़ ये सिस्टम में अनफिट हो जाते हैं और फिर कईयों बार अपने को सस्टेन करने के लिए पॉलिटिक्स भी करेंगे क्योंकि पुराने हैं तो लोग कहते हैं पड़ा पड़ा तो पत्थर भी भारी हो जाता है तो आप मीनिंगफुल बना के रखें उनको इसके अलावा आप जब भी जाएंगे बहुत सी दफ़े आपके साथ कम्युनिकेशन गैप्स होंगे और जब कम्युनिकेशन गैप होता है नॉर्मली यू थिंक दैट वाइस शुड आई गो दैट फेलो शुड कम टू मी तो ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए आपको ईगो नहीं होना चाहिए पता चला दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है ना ये सो पा रहा है रात को ना वो सो पा रहा है लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो संवादहीनता नहीं होनी चाहिए आप आगे अगर आप लीडर हैं या लीडर बनना चाहते हैं ठीक है तो आप आगे आइए और बिना किसी ईगो के संवादहीनता को ख़त्म करिए और कम्युनिकेशन गैप से घर टूट जाते हैं देशों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तरह तरह की चीज़ें होती हैं तो ये ध्यान रखने की चीज़ है और जो तीसरी चीज़ ध्यान रखने की है जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे तो इनसिक्योरिटी वाले लोग होते हैं कुछ देर आर पीपल हु आर इनसिक्योर जो लोग इनसिक्योर फील करते हैं पहले लेट मी टेल यू हाउ इनसिक्योरिटी कम्स कुछ लोगों की बचपन में ग्रूमिंग ऐसे होती है कि उनको इनसिक्योरिटी आ जाती है कुछ लोगों की क्वालिफिकेशन जिस जॉब में वो बैठे हैं उसके लिए स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन नहीं होती दे फील इनसिक्योर कुछ लोग फिजिकली कमज़ोर हो जाते हैं एक एज के बाद और फिर भी वो जो है उसी रोल में रहना चाहते हैं एक एग्जीक्यूटिव रोल में तो क्योंकि फिज़िकली कमज़ोर हैं तो फिर उनके नाक और कान और लोग बन जाते हैं उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है और डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है तो वो भी एक इनसिक्योरिटी का रीज़न है तो इन सारे इस तरह के सारे लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत है उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और हो सकता है इन सारे लोगों को सिस्टम से अलग करने की भी ज़रूरत है इस तरह की चीज़ें आएंगी और बहुत से लोग आपके बारे में बोलेंगे अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं और ये तो हमारे अपने देश की ब्यूटी है और अगर लोग नहीं बोल रहे हैं तो समझिए है कि आप किसी के लिए थ्रेट नहीं है आपकी ग्रोथ किसी के लिए थ्रेट नहीं है तो लोग बोलते रहेंगे जितना बोलेंगे समझिए आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं और अगर कोई कीचड़ फेंके आप पे तो आप अपना फोकस सीधा रखिए सीधे चलते रहिए आपको भी तालाब में कूदने की कूदने की जरूरत नहीं है अदरवाइज उस आदमी का लेवल बढ़ जाएगा आप तालाब में जाके आपका लेवल डाउन हो जाएगा तो आपकी लाइफ का फोकस क्या है उस पर चलते रहिए थोड़ा बहुत लोग आपको इरीटेट करने की कोशिश करें तो स्माइल थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए उससे वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे बहुत से लोग क्या करते हैं बिकॉज आज स्टेट लेवल में यूनिवर्सिटी वगैरह अगर खोलनी है तो कोई भी खोल ले रहा है इनफैक्ट पिछले बहुत से सालों में जो रिक्वायरमेंट हैं वो वन फिफ्थ कर दी गई हैं अभी उत्तराखंड में तो ऐसा है अगर आपको पहाड़ में यूनिवर्सिटी खोलनी है तो यू रिक्वायर ओनली टेन टू फिफ्टीन बिकाज ऑफ लैंड जो सिक्योरिटी की है वो भी काफ़ी कम कर दिया है तो उसमें फिर नॉन सीरियस लोग इसमें आ रहे हैं इस लाइन में कायदे से मुझे लगता है एजुकेशन में जो भी आता है उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए तो जब वो इनसिक्योर लोग आएंगे जब वो आपके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो फिर डर्टी कंपटीशन शुरू होगा और उस डर्टी कंपटीशन में कई बार वो लोअर लेवल के सरकारी तंत्र को भी अपने साथ मिला लेते हैं वो भी उनके साथ हो जाता है क्योंकि वो आपको तंग नहीं कर सकते लोअर लेवल का सरकारी तंत्र उन्होंने अपने साथ मिला लिया वो सरकारी तंत्र आपको तंग करेगा तो ऐसी चीज़ें होंगी होती रहेंगी लेकिन आपको अपना फोकस लूज नहीं करना है आपको सीधे चलते जाना है कईयों बार आपके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी और जो आपके वेल विशर्स हैं बहुत से वो लोग भी छोड़ के चले जाएंगे आपको लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस पर मैं संतोषानंद जी की कुछ लाइनें आपको सुना रहा हूँ तुम साथ न दो मेरा चलना मुझे आता है हर आग सेवा आप में बहुत कुछ कह जाती है और जो मेरे दोस्त नया काम शुरू करना चाह रहे हैं कई बार आदमी सोचता ही रह जाता है कि मैं अपना कोई काम शुरू करूंगा और वो जो है सोचते सोचते पहले वो बैचलर होता है फिर उसकी शादी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं होते होते रिटायर हो जाता है तो जिस समय आपके पास मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस समय सबसे सही टाइम है कुछ शुरू करने के लिए और जब भी आप कुछ शुरू करें तो बहुत लंबा चौड़ा खाका मत खींच लीजिए यू थिंक इन बिट्स एंड बाइट्स इन्वेस्टमेंट भी बिट्स एंड बाइट्स में करिए आजकल लोन मिल जा रहे हैं बहुत बड़ा लोन लेके मत बैठ जाइए छोटे छोटे टारगेट लीजिए उन्हें अचीव करिए अचीव होने से पहले नया सपना देख लीजिए और जब तक वो सपना पूरा होने वाला हो वा एक और नया देख लीजिए दिक्कतें आएंगी लेकिन बिना दिक्कतों के आप जो है अलग से नहीं बन पाएंगे इसके लिए किशोर कुमार जी के गाने की कुछ लाइने लाइनों से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे